हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में मैं ई पैन कार्ड बना के देखने वाला हूँ कि ई पैन कार्ड कैसे बनता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट बन रहा है। इसके लिए आपको कोई कहीं पे चार्ज नहीं देना है, एक रुपया भी नहीं लगेगा इसका। और इसका आपका पैन कार्ड तुरंत तुरंत का तुरंत ही बन जाता है। इसमें आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा, आधार नंबर के ज़रिए आपका सारा डेटा वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा और आपका जो है कि ई पैन कार्ड तुरंत ही जनरेट हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम सर्च करते हैं इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट, वहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया, वहाँ पे हमें लिंक मिल जाएगा। इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग पे आ गए। इंस्टेंट फैन थ्रू आधार पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन आपका फाइल DTVSV फॉर्म और दूसरा है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार। तो इसमें नाम से ही आपको लग रहा है कि आधार की मदद से आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिए कि क्या क्या दिया हुआ है। गेट पैन विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर आपको आपका पैन कार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे इजी एंड पेपरलेस प्रोसेस, आपको कहीं पे कोई पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इसमें चाहिए क्या क्या, आपको आधार कार्ड चाहिए और आपका लिंक मोबाइल नंबर, क्योंकि इसमें OTP मांगेगा और OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे गेट न्यू पैन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मांग रहा है कि प्लीज़ एंटर योर आधार नंबर फॉर पैन अलॉटमेंट। तो हम यहाँ पे आधार की मदद से पैन कार्ड बनाएंगे, तो अपना आधार नंबर एंटर करेंगे। एक मिनट, कैप्चा कोड डालना है 5। एक मिनट, ठीक है। अब हम जो है कंफर्म पे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कि आई कंफर्म दैट आई हैव नेवर बीन अलॉटेड ए परमानेंट अकाउंट नंबर। यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो आपको देखिए क्या क्या चीज़ें वो आप ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर देंगे कि आपका पैन कार्ड कभी अलॉट नहीं हुआ है, माई मोबाइल नंबर इज लिंक्ड विद आधार नंबर, आपके आधार में नंबर भी लगा हुआ है, माई डेट ऑफ बर्थ इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन आधार कार्ड और आई एम नॉट माइनर एज ऑन अप्लीकेशन डेट ऑफ परमानेंट। तो अभी यहाँ पे OTP आ गया, ये देखिए OTP आ गया 4711123, 4711123 क्या है, हाँ OTP ये है, ठीक है। अभी मैंने OTP डाल दिया, OTP डालने के बाद वैलिडेट आधार OTP एंड कंटिन्यू। प्लीज़ रीड द कंसेंट एंड कन्फर्म टू प्रोसीड, ओके। अच्छा, इस पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस बॉक्स पे क्लिक भी करना है, फिर दोबारा से OTP डालेंगे 471123, 471123, ठीक है। वैलिडेट आधार एंड OTP एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में हमारा आएगा वैलिडेट आधार डिटेल्स, फिर वैलिडेट ईमेल आईडी और उसके बाद में आपका सबसे लास्ट में आपका पैन जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इसने क्या किया है, ऑटोमेटिकली आधार का सारा डेटा इसने फेच कर लिया है। और यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी हमें डालना ही नहीं, ईमेल आईडी ऑप्शनल है तो हम डालेंगे ही नहीं, ठीक है। आई एक्सेप्ट करके फिर यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा सारा डिटेल जो है वो करेक्ट है, जो भी आधार में जो डिटेल्स है वो करेक्ट है, एंड इन केस आई एम फाउंड टू बी इन पोजीशन ऑफ मोर देन वन पैन कार्ड। ये सब आपको उतना कुछ करना नहीं है, सीधे बॉक्स पे टिक करके कंटिन्यू पे सबमिट पैन रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है।
ओके थैंक यू, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑफ पैन रिक्वेस्ट इज इतना। अब देखें यहाँ पे यूज़ आधार नंबर टू व्यू पैन स्टेटस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपने आधार नंबर के ज़रिए आप अपना पैन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड अलॉट हो गया है कि नहीं। सो सिंपल सी चीज़ है, आपको 5 मिनट लगेगा ई पैन कार्ड बनाने में और 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और आपका जो है ये पैन कार्ड है ये उतना ही वैलिड होता है जितना आपका फिजिकल पैन कार्ड, जो हम 107 रुपये पे करते हैं, 107 रुपये पे करने के बाद जो पैन कार्ड आता है उतनी ही वैल्यू इसकी है। आप क्या कर सकते हैं, आपका PDF फॉर्म में आपका पैन कार्ड आ जाएगा, उसको आप जो है कि लेमिनेशन करा के आप रख सकते हैं और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर आप ये पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अभी मैं चेक स्टेटस पे क्लिक करके दिखाता हूँ और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए मैं ये लाइव करके दिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। 273 इसमें दिया था कि 10 मिनट के अंदर आपका पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा, तो अभी मैं डालता हूँ इसको यहाँ पर NVBKQP। सो आपको अपना पैन स्टेटस चेक करने के लिए भी OTP डालना पड़ेगा, ठीक है। OTP हमारा क्या है, 568213, 568213, ठीक है। पैन अलॉटमेंट सक्सेसफुल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कम समय में मैंने पैन कार्ड जनरेट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं डाउनलोड पैन करके यहाँ पे ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि अब पैन कार्ड बनाना कितना आसान रह गया। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है, कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ आप मोबाइल में अपने इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट खोल करके वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा ई पैन थ्रू आधार, वहाँ पे क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड बहुत ही आसानी से घर बैठे बना सकते हैं। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।